जो ट्रंप रिपब्लिकन को चंदा देता था, वही ट्रंप बोला कि भाई तुम राष्ट्रपति क्यों बनोगे, हम राष्ट्रपति बनेंगे, जब हमारे ही चंदे से तुम डेमोक्रेसी चलाओगे तो हम डेमोक्रेसी के हेड होंगे। और कल को हो सकता है देश के सबसे बड़े उद्योगपति अंबानी जी, देखिए आप अपनी पत्नी का अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं बर्थडे पे तो आप पर्स देंगे, वो हवाई जहाज देते हैं। आप अगर अपने बच्चे को कुछ देना चाहेंगे तो आप बैट बॉल खरीद करके देंगे, वो क्रिकेट टीम खरीद करके देंगे। कल को हो सकता है, अभी बोला कि इनका स्टार्टअप कराना है तो बेटे के लिए जियो बना दिया, जियो इंडिया। जियो इंडिया नहीं, अंबानी जी का पोता जियो इंडिया कर रहा है, ठीक है। कल को ये कह देंगे कि भाई मोदी जी को बहुत चंदा दे दिया, आजकल उनके पीठ पे हाथ रखना छोड़ करके अपने बेटे के पीठ पे हाथ रखेंगे, वही इस देश का प्रधानमंत्री होगा। ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। कैंपस के लिए ये मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और परिवारवाद, वंशवाद, जातवाद, ये जो सवाल है, इस सवाल को आज का यूथ जनरेशन बहुत सीरियसली ले रहा है। और इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है, आप ये देख लीजिए कि मोदी जी, मैंने ऐसा तो नहीं है कि उनके 10 हाथ हैं, वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने फर्स्ट टाइम वोटर को अट्रैक्ट किया? वो बात ये थी कि एक नॉर्मल कार्यकर्ता होने के बावजूद वो आदमी पार्टी के टॉप पोजीशन पे पहुंचा, ये एक पॉजिटिव बात है। इसके अलावा एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया है। किसी भी मुसलमान से ही पूछा जाएगा कि तुम आतंकवादी हो कि नहीं हो, भले ध्रुव सक्सेना जो है वो ISI की जासूसी करने में पकड़ा जाता हो, लेकिन ये सवाल उसे नहीं पूछा जाएगा। तो उसके लिए जरूरी था कि मोदी जी भाषण में बोले विकास की बात, जब जब गुजरात मॉडल की बात हो तो नॉर्मल लोगों को लगे कि विशा विकास की बात हो रही है। दरअसल गुजरात मॉडल ये था कि माइनॉरिटीज को घेर करके उनके घेटोज में मार दो और पूरे देश को ये एग्जाम्पल दो कि इसी तरीके से तुम मारे जाओगे अगर भाजपा का विरोध करोगे। तो ये जो डर का माहौल है, इस डर के माहौल को कैप्चर करके मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते। और जितने भी वादे हैं, जितने भी इशूज हैं, उस पर अगर इस कैंपस में कोई डिबेट खड़ा करना चाहता है तो इमीडिएटली कह दिया जाता है कि ये देशद्रोही है। अगर आप मोदी विरोधी हैं तो आप अपने आप से प्रमाण पत्र ले लीजिए देशद्रोही होने का, क्योंकि देश क्या है, देश बनता कैसे है, देश की परिभाषा कैसे तय होगी, ये आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमेशा हमको डाइवर्ट किया जाता है। मैं समझता हूं कि देश की परिभाषा कॉन्स्टिट्यूशन से है और इसके प्रियम्बल का पहला लाइन है हम भारत के लोग, तो देश के लिए देश के लोग इंपॉर्टेंट हैं। और देश के लोगों की अगर यदि हम बात करते हैं तो कैंपस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आज जो हम पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, हमारा आने वाला जनरेशन पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? जो DU के टॉप कॉलेजेस हैं, सेल्फ फाइनेंस मॉडल के आधार पर अगर उसको चलाए जाएंगे तो बिहार से आकर के भैया मैं तो PhD नहीं कर पाऊंगा, हमारी आने वाली जनरेशन भी नहीं कर पाएगी, राहुल सोन पिंपुले भी नहीं कर पाएंगे और कोई जो है नजीब भी नहीं कर पाएगा। दो तरफा मार है, एक पॉलिसीज के लेवल पे और दूसरा फियर साइकोसिस की जो पॉलिसी है उसके लेवल पे। ठीक है, पहुंच तो गए हो किसी तरीके से, तुम्हारी हालत नजीब वाली कर देंगे। ये जो बात आप देखिए, रेप थ्रेट में जो बार बार बोली गई गुरमेहर कौर को, क्या कहा गया? कहा गया कि तुमको रोहित वेमुला के पास पहुंचा देंगे। ये जो एक पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी है, उस कॉन्स्पिरेसी को समझने की जरूरत है। देर इज ए अटैक ऑन द आइडिया ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटी, देर इज ए अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, देर इज अटैक ऑन द डेमोक्रेसी इटसेल्फ। अगर ये कॉन्स्पिरेसी हम नहीं समझते हैं तो हमारे सामने इसी तरीके के लॉलीपॉप फेंके जाएंगे कि गांधी परिवार इस देश को बर्बाद कर दिया गया, फिर ये लॉलीपॉप फेंका। मैं गांधी परिवार को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, इस मुगालते में ना रहेंगे कि जो इस तरीके के लॉलीपॉप फेंके जाएंगे, फिर कहा जाएगा कि बुर्का खत्म कर देना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि बुर्का का विरोध करने के लिए ABVP की, मतलब RSS की महिला मोर्चा ने एक केसरिया स्कार्फ पहनने का चलन चलाया है। कर्नाटका के अंदर लोग बुर्का का विरोध करने के लिए केसरिया स्कार्फ पहन करके कॉलेजों में जा रहे हैं। मतलब एक रूढ़िवादी चीज का विरोध करने के लिए आप दूसरे रूढ़िवादी चीज को अपना लीजिए, मतलब भेड़िए से बचने के लिए आप जो है चीते के मांद में जाकर के बैठ जाइए। ये इस तरीके का जो पूरा का पूरा एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, फिर 10 बच्चे की बात की जाएगी, लव जिहाद का बात किया जाएगा। वो जो बेफजूल की बात करता है साक्षी महाराज, क्या बोला है कि इस देश में जो पैदा लिया है वो सब हिंदू है, इसीलिए सबको जो है जलाना चाहिए, जलाने के लिए आपके लकड़ी के आपके चाचा देंगे और फिर इकोलॉजी का क्या होगा। ये जो पूरा का पूरा सवाल है, उसमें जितनी बात को आप इंट्रोड्यूस करते हुए बोल रहे थे कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ ग्रोथ, व्हाट इज द इकोनॉमिक पॉलिसी, व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है ना, और ये जो इंपॉर्टेंट बेसिक सवाल है, इस बेसिक सवाल को डाइवर्ट किससे किया जा रहा है? कुछ मत कीजिए, लड़की छेड़ दीजिए, तिरंगा झंडा हाथ में ले लीजिए, देशभक्त हैं, देशभक्त हैं, देशभक्त हैं, लड़की छेड़ना अपराध नहीं है। किसी को जो है मार दीजिए, कैमरा का जो है मीडिया का कैमरा तोड़ दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, वायलेंस कर दीजिए और कह दीजिए भाई देश के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। सपोज कीजिए कि देश के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है, कैंपस में कोई पोस्टर लगाया गया है, उससे आप असहमत हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो लीगल है कि इलीगल है, वो सीडीसीएस है कि नहीं है, वो सेडिशन के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये कोई कंगारू कोर्ट में तय नहीं होगा।
ये इस देश के न्यायालय के द्वारा तय किया जाएगा, रूल ऑफ लॉ के द्वारा तय किया जाएगा। एबीवीपी तिरंगा झंडा लेकर के किसी को देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं दे सकती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इनका इतिहास क्या है, इनका इतिहास क्या है, बार बार चीज निकल करके आ रही है, मुंह में दही जमा लेते हैं। ऐसे तो ये लोग इतना फूलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना फेंकते हैं कि समझ में नहीं आता। जब ये मामला चल रहा था कि मैंने नहीं ने सेंचुरी मारा, मेरे बल्ले ने मारा, तो मेरे दिमाग में इमीडिएटली आया था, तब तो मोदी जी भी कल को कहेंगे कि मैंने नहीं फेंका था, मेरे मुंह ने फेंका था। कि ये जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में पूरे के पूरे डिस्कोर्स को जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इनका इतिहास यह, अभी 11 लोग पाकिस्तान की जासूसी के लिए पकड़े गए हैं। इससे पहले आप इतिहास पढ़ लीजिए, अंग्रेजों की जासूसी किया करते थे और बार बार इन्होंने कहा था कि अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन हमारे ही देश के नागरिक हैं। आज भी ये अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर मारपीट कर रहे हैं और फर्जी तरीके से देशभक्ति बनाम देशद्रोह का विमर्श खड़ा कर रहे हैं। इस विमर्श से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। अगर 2 करोड़ रोजगार पैदा मोदी जी नहीं कर पाते हैं, हमारे लिए सड़कों पे उतरने के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। रोहित को जस्टिस दिलाना ये हमारा सबसे मुद्दा है, नजीब को वापस लाना ये हमारा मुद्दा है। ये कितना भी ट्रैप में फंसाएं, हम लोग तो फंसने वाले नहीं हैं।